मुद्रा महोत्सव में एक दुर्लभ नोट देखने को मिला है। 5 रुपए के इस नोट पर भारत और पाकिस्तान का नाम एक साथ छपा हुआ है। 1947 में छपे नोट को भारत सरकार ने विभाजन के समय पाकिस्तान सरकार को दिया था। मसानी रोड स्थित नेशनल चेंबर भवन में आयोजित 2 दिवसीय मथुरा मुद्रा महोत्सव में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष गवर्नर सीडी देशमुख के कार्यकाल में 1947 में छापा गया 5 रुपए का एक ऐसा दुर्लभ नोट देखने को मिल रहा है जिसके सहारे पाकिस्तान की सरकार चली थी। इस नोट का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी नागरिकों ने अपने देश में खरीदारी की थी। दरअसल विभाजन के समय पाकिस्तान के पास अपनी कोई मुद्रा नहीं थी। देश में वित्तीय गतिविधियां कैसे संचालित हो तत्कालीन पाकिस्तान सरकार के सामने ये परेशानी खड़ी हो गई थी। ऐसे में पाकिस्तान सरकार को जब कोई उपाय नहीं सूझा तो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत सरकार से मिले नोटों पर ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रिंट करा दिया। जब तक पाकिस्तान सरकार को नोट छापने की मशीन नहीं मिली पाकिस्तान के लोगों ने भारत में छपे नोट से अपनी गृहस्थी चलाई। तत्कालीन बर्मा म्यांमार सरकार ने भी किया था भारतीय नोट का उपयोग। पाकिस्तान ही नहीं तत्कालीन बर्मा अब म्यांमार सरकार ने भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए 100 रुपए के नोट के उपयोग किया था। प्रदर्शनी में इस नोट का प्रदर्शन किया जा रहा है। 100 रुपए के इस दुर्लभ नोट पर भारत के साथ बर्मा का नाम अंकित है। ये दोनों नोट लखनऊ के रहने वाले गोकलेश रस्तोगी द्वारा संग्रहित किए गए।